हेलो दोस्तों, मैं काशिफ आप सबका स्वागत करता हूँ E3's क्लासेस के अंदर। आज का लेक्चर चलेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ लुब्रिकेंट्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो लुब्रिकेंट्स की प्रॉपर्टीज़ कैसे ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात आती है, प्रॉपर्टी होती क्या है। हम हर जगह पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस। ठीक है, अलग अलग चीज़ों के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ते रहते हैं। पानी की क्या प्रॉपर्टी है, सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट्स है क्या चीज़। सबसे पहली बात, प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी होती है कोई भी एक ऐसी चीज़ है, मतलब हर एक विशेष के पास, चाहे आप किसी भी सब्सटेंस की बात कर लें, चाहे किसी भी आप व्यक्ति की बात कर लें, जिसके बिना वह एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जिसके बिना उसका वजूद ही नहीं है, उसको प्रॉपर्टी कहा जाती है। तो ये लुब्रिकेंट के अंदर कुछ ऐसी खासियत है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो होने चाहिए। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक उस लुब्रिकेंट के अंदर अवेलेबल नहीं है तो आप उसको लुब्रिकेंट की श्रेणी के अंदर नहीं रखेंगे। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो पहली हमारी यहां पर प्रॉपर्टी आती है, वो प्रॉपर्टी आती है आपकी विस्कोसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, श्यानता बोलते हैं। आप सबने विस्कोसिटी यानी कि श्यानता का नाम जो है वो सुना होगा। दोस्तों क्या होती है श्यानता, किस प्रकार से इसको अपन जो है डिफाइन करते हैं। किसी भी फ्लूड के बारे में यदि मैं बात करूं, जैसे मैं आपको इतनी देर से, जब से मैंने आपको लुब्रिकेशन सिस्टम पढ़ाना स्टार्ट किया है, मैं फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं। समझिए, एक बार मैं बता दूंगा विस्कोसिटी क्या होती है। किताब के अंदर तो 4-5 लाइन दे रखी है, आपको समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है, पर इसको आप फिजिकली अगर समझना चाहें, जैसे कि मान लिया आप किसी एक सरफेस पे चल रहे हैं, किसी सरफेस पे आप फॉरवर्ड की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, आगे की तरफ चल रहे हैं, तो एक फोर्स था जो पीछे की तरफ लग रहा था, ठीक, और उस फोर्स को आपने क्या नाम दिया था, फ्रिक्शन फोर्स का, घर्षण बल नाम दिया था ना उसको। अब यही चीज अगर मैं फ्लूड के रिस्पेक्ट में करूं, फ्लूड क्या है, सबसे पहली बात आती है फ्लूड क्या है भाई, एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो लिक्विड और गैसियस फेज के अंदर हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिक्विड वाले को ही, ऐसा नहीं होता कि विस्कोसिटी जो होती है सिर्फ लिक्विड फेज के अंदर ही होगी, गैसियस फेज के अंदर नहीं होती, गैसियस फेज के अंदर भी होती है। और विस्कोसिटी भी अगर फर्दर में डिफाइन करूं तो दो टाइप की है, काइनेमेटिक एंड डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, वो तो चलो अलग बात आ जाती है, वो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं हम उन चीजों को। ठीक है, तो अब होता क्या है, मान लिया कोई एक नदी थी या फिर कोई एक कंटेनर था आपका, जिसके अंदर आपने क्या फ्लूइड भर रखा था कोई भी, और मैं अभी लिक्विड की बात कर रहा हूं क्योंकि हम ज्यादातर जो लुब्रिकेंट यूज करते हैं वो लिक्विड फॉर्म के अंदर ही यूज करते हैं, ठीक है ना, या फिर आप सेमी सॉलिड भी कर सकते हैं, सॉलिड भी कर सकते हैं, सॉलिड के अंदर विस्कोसिटी नहीं होगी, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, सॉलिड के अंदर विस्कोसिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, अभी क्लियर हो जाएगा। ये कोई फ्लूड था, मान लिया मैं पानी की बात कर रहा हूं, लुब्रिकेशन को थोड़ी देर के लिए छोड़िए। अब इस फ्लूड के ऊपर कोई एक शेयर स्ट्रेस लग रहा था, ठीक है, या फिर कोई भी एक फोर्स लग रहा था, ये फ्लूड क्या कर रहा था, फ्लो कर रहा था। तो ये फ्लूड की पहली लेयर है जो आगे की तरफ बढ़ना चाह रही है, और इस पहली लेयर पे मान लिया मैं बात करता हूं इस सेकंड वाली की, इसको सेकंड लेयर बोलता हूं, दूसरी परत, ये क्या करेगी, उस दूसरी परत, वो जो दूसरी परत है वो पहली परत पे क्या करेगी, एक रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध डेवलप करेगी। मतलब कि दो दोस्त थे, एक आगे बढ़ना चाह रहा है तो दूसरा दोस्त उसका हाथ खींच के उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है कि नहीं मैं पहले आगे जाऊंगा, और यही काम पहली जो लेयर थी वो दूसरी लेयर के साथ करेगी। मतलब जब दूसरी लेयर आगे बढ़ना चाहती है तो पहली लेयर क्या करेगी, उसके प्रति एक प्रतिरोध यानी एक रेजिस्टेंस जो है डेवलप कराएगी। तो बेसिकली विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस टू फ्लो, फ्लो के अंदर उत्पन्न होने वाले प्रतिरोध को श्यानता कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो यही बात आती है, जैसे श्यानता की बात आती है, सबसे पहले आपको याद रखना है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहां पे हो रहा है, दो ठोस के बीच में हो रहा है, और दो द्रव के अंदर होने वाली, दो परतों के मध्य होने वाले घर्षण को श्यानता कहा जाता है, ठीक है। तो इससे हम डिफाइन करते हैं किसी फ्लूड का गाढ़ा होना या पतला होना, मतलब कोई फ्लूड जो है हाई विस्कस फ्लूड है या लो विस्कस फ्लूड है, ठीक है। और ये आप सब पढ़ेंगे रियोलॉजी ऑफ फ्लूड जो होती है, उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि आपके आइडियल फ्लूड आ रहे हैं, न्यूटेनियन फ्लूड आ रहे हैं, नॉन न्यूटेनियन फ्लूड आ रहे हैं, आइडियल प्लास्टिक, आइडियल बिंगम प्लास्टिक फ्लूड आ रहे हैं, ग्रेड 1 थिक्सोट्रॉपिक आ रहे हैं, ग्रेड 2 थिक्सोट्रॉपिक आ रहे हैं। तो इस तरह से रियोलॉजी जो होती है वो पूरी डिफाइन होती है, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो आप लुब्रिकेशन ऑयल को भी डायरेक्ट जो है क्या कह सकते हैं, एक तरीके से आप डिसाइड नहीं कर सकते उसकी श्यानता को, ये भी अलग अलग मैटर के अंदर होती है, पर हमारे अभी सिलेबस के अंदर इतना नहीं।
ठीक है, इतना हमें नहीं दिया हुआ कि आप रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड जो है आप यहाँ पर पढ़े, आपको सिर्फ इतना बोला गया है कि आप जो है विस्कोसिटी के बारे में बता दें, आपको पता होनी चाहिए विस्कोसिटी कैसी। तो अब अगर कोई फ्लूइड हाई विस्कस है तो क्या होगा, अगर कोई किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा है, विस्कोसिटी मतलब फ्लूइड के अंदर बहने के प्रति जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस टू जो फ्लो है वो कैसा है, ज्यादा है। अगर रेजिस्टेंस टू फ्लो जो है आपका ग्रेटर हो जाता है, ठीक है, तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जैसे आप हनी की बात करें, जो शहद होता है, आप एक काम कीजिए, एक कंटेनर के अंदर हनी को लीजिए और एक कंटेनर के अंदर वाटर लीजिए, वो आप क्या करें दोनों को फ्लो करवाने की कोशिश कीजिए, आपको पता पड़ेगा कौन सा ज्यादा आसानी से फ्लो कर पाएगा। सीधी सी बात है, पानी जो है आप थोड़ा धक्का मारोगे बहने लग जाएगा, फर्श पे बिखर जाएगा, और कई बार तो आप हनी के लिए क्या करना पड़ेगा, आप उसको रखोगे रखोगे रखोगे, फिर वो धीरे 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 से आके फ्लो होना स्टार्ट करेगा। तो आपको पता पड़ेगा कि हनी की जो श्यानता है, शहद की जो विस्कोसिटी है, वो ज्यादा है किससे, वाटर से। ठीक है, तो ये चीजें किसके बारे में डिफाइन होती हैं, ये चीजें होती हैं आपकी विस्कोसिटी के बारे में डिफाइन होती हैं दोस्तों। तो लुब्रिकेशन कैसा होना चाहिए, हमेशा जरूरी नहीं है कि लुब्रिकेशन आपका हाईली विस्कस हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो है एकदम बहुत गाढ़ा तेल यूज करें। गाढ़े तेल की आपको जरूरत तब पड़ेगी जब आप ज्यादा लोड पर काम कर रहे हो, कब, जब ज्यादा लोड पर काम, अगर आप हैवी लोड एप्लीकेशन पर जाते हो तो गाढ़ा तेल यूज करें, अगर आप नॉर्मली एक जो एप्लीकेशन, किसी नॉर्मल लोड एप्लीकेशन के लिए लुब्रिकेशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक लो विस्कस ऑयल का आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई जिसका नाम था विस्कोसिटी, क्या क्या नाम था जिसका, विस्कोसिटी। समझ में आ गई आपको विस्कोसिटी क्या होती है, इसके बारे में कुछ लिखवाने की जरूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है यहाँ पे, विस्कोसिटी क्या होती है, ठीक है, चलिए। अच्छा, विस्कोसिटी को डिफाइन करने के लिए जैसे आपके जो लुब्रिकेशन ऑयल आते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा किस्सा भी याद आता है मुझे और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा जितने भी लुब्रिकेशन ऑयल आते हैं वो आपके SAE नंबर से आते हैं, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, या सोसाइटी ऑफ, एक और नाम से ऑटोमेटिक इंजीनियर्स बोला जाता है, बेसिकली इसका नाम सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। अगर कहीं पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही की फुल फॉर्म ये होती है। अब जो इसके अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रेड के ऑयल आते हैं, जैसे ऐसे ही 30 आपको देखने के लिए मिलेगा, 60 मिलेगा, 80 मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम पहले ऐसे ही 30 का यूज करते थे, कहां पे, इंजन ऑयल में। जैसे आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा ना, आपने नई गाड़ी ली है और नई गाड़ी पे कहा जाता है कि 750 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर के अंडर जो है आप उसकी सर्विस करवा लीजिए बाइक की, और कार के लिए 1200-1300 तक एक्सेप्टेबल होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ऑयल जो है वहां पे खराब हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात आती है कि अगर आप कई बार गाड़ी नहीं चला रहे हैं, 3 महीने के अंदर फोन आ जाता है सर्विस सेंटर से कि सर आपने सर्विस नहीं करवाई आपका ऑयल खराब हो जाएगा, तो ये गलत बात नहीं होता, ऑयल खराब नहीं होता, क्यों भाई, अपना अपन जो ऑयल यूज कर रहे हैं वो ग्रेड वन, पता है ये जो फ्लूड मैंने बताया था रियोट्रॉपी, इसके अंदर दो प्रकार के फ्लूड आ रहे हैं, देखिए ग्रेड वन आ रहा है थिक्सोट्रॉपी और ग्रेड टू आ रहा है, ये अलग चीजें हैं, थोड़ी सी आउट ऑफ दी बॉक्स हैं ये चीजें, आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएगी पर जानना चाहो तो जान सकते हो। तो एक टाइम डिपेंडेंट नेचर होता है इनका, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड का, ठीक है। तो कुछ फ्लूड ऐसे जैसे प्रिंटर की इंक है, वो भी तो एक फ्लूड ही होती है, आपने कोई प्रिंट निकाला एक साथ ही सूख गई है ना, तो वो टाइम डिपेंडेंट मतलब टाइम के साथ वो क्या हो जाते हैं, गाढ़े हो जाते हैं, सूख जाते हैं। अगर आपकी जो लुब्रिकेशन ऑयल है वो टाइम डिपेंडेंट होता तब तो बात मानी जाती है कि 3 महीने के अंदर जो है आपका लुब्रिकेशन ऑयल सूख जाएगा, खराब हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी उसकी नहीं होती लुब्रिकेशन ऑयल की, चलिए। तो ये आपको याद रखना है, ऐसे ही जो है उसको बेसिकली आपको याद रखना है विस्कोसिटी क्या होती है, इसके बारे में पूरा सिनेरियो में आपका यहाँ पे क्लियर जो है कर चुका हूं। अब मैं बात करता हूं अगली प्रॉपर्टी की जिसका नाम है फ्लैश एंड फायर पॉइंट। लेकिन दूसरा फ्लैश एंड फायर पॉइंट,
यानी कि फ्लैश जलन और फायर मतलब दहन बिंदु। तो क्या होते हैं ये आपके फ्लैश एंड फायर पॉइंट जो होते हैं, इनके बारे में अगर पढ़ें कि भाई एक ऐसा तापमान किसी लुब्रिकेंट के लिए या किसी फ्लूड के लिए जिसके ऊपर वह वाष्प बन जाए, एक फ्लैश जनरेट होता है। ये प्रैक्टिकल हम करते थे बीटेक के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, 11th 12th के अंदर किया होगा ये प्रैक्टिकल आपने, कि हम क्या करते थे फ्लैश एंड फायर पॉइंट निकाला करते थे, ठीक है ना। तो फ्लैश पॉइंट क्या होता था कि हमने लुब्रिकेशन ऑयल को गरम किया ऐसे टेम्परेचर तक पहुंचा दिया जहां पे लुब्रिकेशन ऑयल किसके अंदर वेपराइज्ड हो गया या वाष्प के अंदर परिवर्तित हो गया, यानी क्या वेपराइज्ड हो चुका है, वेपराइज्ड हो गया, तो उसको क्या कह देंगे फ्लैश पॉइंट कह देंगे, ठीक है। फायर पॉइंट यानी कि दहन बिंदु, एक ऐसा पॉइंट लुब्रिकेंट के लिए या लुब्रिकेशन ऑयल के लिए एक ऐसा पॉइंट जहां पर वह जलना प्रारंभ हो जाए। क्या जलना, फायर करना, फायर मतलब क्या आग लगना, फ्लैश मतलब आपने देखो फ्लैश जनरेट होता है एक साथ ही वाष्प बनना, यहाँ पे फ्लैश से बेसिकली वाष्प बताना चाह रहे हैं। तो फ्लैश का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा पॉइंट जहां पर वह वेपराइज हो जाएगा, और फायर पॉइंट वह पॉइंट हो गया एक ऐसा पॉइंट जहां पर जो आपका लुब्रिकेशन ऑयल है जलना दहन करना प्रारंभ कर देगा, दहन प्रारंभ कर देगा, तो उसको क्या कहा जाता है आपका, उसको कहा जाएगा फ्लैश एंड फायर पॉइंट। तो आप अगर हाई टेम्परेचर के अंदर कहीं पर काम कर रहे हैं, किसमें हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के अंदर लुब्रिकेशन ऑयल का आप यूज कर रहे हैं, लुब्रिकेशन कर रहे हैं, लुब्रिकेंट का यूज कर रहे हैं, तो वहां पर फ्लैश और फायर पॉइंट क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत कम टेम्परेचर पे ही लुब्रिकेशन जो होता है वो फ्लैश कर चुका है या फायर पॉइंट हो चुका है। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जो अभी हम पढ़ेंगे, जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर चार पॉइंट आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्लैश एंड पावर पॉइंट के लिए यही है कि किसी लुब्रिकेंट का वह तापमान जिस तक उसे गर्म करने से दहन क्रिया तीव्र गति से प्रारंभ हो जाती है वह फायर पॉइंट कहलाएगा। जो दहन है वो प्रारंभ हो रहा है तीव्र गति के साथ, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा फायर पॉइंट कहा जाएगा, और जिसपे वह वाष्प के अंदर परिवर्तित हो जाए उसको क्या कहा जाएगा फ्लैश पॉइंट कहा जाएगा, ठीक है। अब जो अगला आता है आपका पॉइंट वो आता है पोर पॉइंट, यानी कि धार बिंदु, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है धार बिंदु कहा जाता है। दोस्तों अगर आपने कास्टिंग प्रोसेस कभी पढ़ा हो कास्टिंग प्रोसेस यदि आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो आपने एक चीज सुनी होगी, बार बार हम यूज करते हैं पोरिंग बेसिन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं मोल्टन मेटल को पोर करेंगे, बोलते हैं ना कि मोल्टन मेटल को पोरिंग बेसिन के अंदर क्या कर देते हैं पोर कर देते हैं। तो ऐसा क्या है, पोर का मतलब क्या है भाई, आप एक ऐसा पॉइंट आ रहा है, एक ऐसा टेम्परेचर आ रहा है जिस पॉइंट के ऊपर आपका जो लुब्रिकेंट है या लुब्रिकेशन ऑयल है, लुब्रिकेंट आसानी से फ्लो करने की प्रवृत्ति रखता हो, उसे क्या कहा जाएगा पोर पॉइंट कहा जाएगा। क्या कहेंगे बच्चों, उसे पोर पॉइंट कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली कई जगह देखने के लिए मिल जाएगा कि पोर पॉइंट क्या हो रहा है, और इसका इसके बारे में यदि मैं बात करता हूं तो एक लाइन के अंदर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक लाइन के अंदर इसकी डेफिनेशन हो जाएगी वह निम्नतम तापमान किसी ऑयल का, वह निम्नतम तापमान जिस पर कोई तेल प्रवाहित हो सकता हो, ठीक है, फ्लो करवाया जा सकता हो, उसको क्या कहा जाता है पोर पॉइंट कहा जाता है। ये जो पोर पॉइंट होते हैं ये बेसिकली किसके किसके अंदर ज्यादा आपके यूजफुल होते हैं, जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिज जो है उसके अंदर ये ज्यादा यूजफुल होते हैं जो लुब्रिकेशन ऑयल है, क्योंकि फ्रिज क्या बहुत लोअर टेम्परेचर पे, तो ये हाइएस्ट टेम्परेचर नहीं है, ये लोएस्ट टेम्परेचर है, ठीक है। जैसे बर्फ है, बर्फ को आप फ्लो करवा सकते हो क्या, नहीं, पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर को आप फ्लो करवा सकते हो, ठीक है। तो वही निम्नतम तापमान के बारे में बात हो रही है, तो बेसिकली इनका ज्यादातर यूज रेफ्रिजरेशन एप्लीकेशंस के अंदर किया जाता है। तो दो तो ये हो गए, तीन हो गए ये, अब हम बात करते हैं किसकी, रेसिडुअल कार्बन कंटेंट। तो जो आपका फोर्थ आता है वह अवशिष्ट
कार्बन मात्रा, ठीक है, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, रेजिडुअल कार्बन कार्बन कंटेंट। तो रेजिडुअल कार्बन कंटेंट आप लोगों को बेसिकली क्या डिफाइन कर रहा है, रेजिडुअल कार्बन कंटेंट बोल रहा है कि किसी भी लुब्रिकेशन ऑयल के अंदर, किसी भी लुब्रिकेंट के अंदर घुली हुई अवशिष्ट कार्बन मात्रा, उसके अवशिष्ट पदार्थों की मात्रा क्या कहलाएगी, अवशिष्ट कार्बन मात्रा या रेजिडुअल कार्बन कंटेंट्स कहलाएगी, ठीक है। तो उसके अवशिष्ट पदार्थ की जो मात्रा होती है वह लुब्रिकेंट की एक तरह से क्षमता को भी दर्शाती है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर मैं किसी इंजन ऑयल की बात कर रहा हूँ, मैं इंजन के बारे में बात कर रहा हूँ और उस इंजन के अंदर मेरे को बोला जाता है कि रेजिडुअल कार्बन कंटेंट मुझे कितना रखना है, अगर कार्बन का कंटेंट जो है ज्यादा होगा तो जो एफिशिएंसी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर कार्बन ज्यादा होता है तो एफिशिएंसी विल डिक्रीज, ठीक है। अगर कार्बन की मात्रा जो है वो कम है तो एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज। इसीलिए जब भी मैं किसी इंजन ऑयल के बारे में बात करता हूं तो उस इंजन ऑयल के अंदर मुझे कहा जाएगा कि इंजन ऑयल के अंदर जो रेजिड्यू कार्बन कंटेंट है उसको मिनिमम रखा जाए। तो इसमें समझाने वाली कोई बात तो है नहीं कि कार्बन कंटेंट रहा क्यों भाई, अवशिष्ट पदार्थ हैं, एक तरीके से ये कह सकते हो कि प्योरिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट की यहां पर बात हो रही है, किसकी, प्योरिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट की यहां पर आपसे बात हो रही है। चलिए अगला जो आपका पॉइंट आता है वो आता है इमल्सिफिकेशन एंड डेम्यूबेलिटी, डेम्यूबेलिटी, ठीक है। ये क्या बात बताती है डेम्यूबेलिटी और इमल्सिफिकेशन, क्या बात बोलते हैं ये। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है जल में मिश्रणता और डेम्यूबेलिटी का मतलब होता है जल पृथक्ता। तो आप हिंदी में लिखिए, अब इसको बताओ इसको डिफाइन करूं क्या मैं, ये तो आप समझ गए होंगे, और पृथक्तता, पृथक्तता मतलब आप सब जानते हैं कि ऑयल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं अलग अलग, एक तो जो मिसिबल हो किसके साथ, वाटर के साथ, एक तो वाटर के साथ क्या हो जाते हैं, मिश्रण बना लेते हैं बढ़िया, उनको फर्क नहीं पड़ता, पानी मिला दिया मिल गए एक ही हो गए, ठीक है। और दूसरे हैं जो वाटर से अलग रहते हैं। तो किसी लुब्रिकेंट की वह प्रॉपर्टी, ठीक है, जो उसको जल के अंदर मिश्रित करवा दे, यानी कि मिक्स करवा दे किसके साथ, वाटर के साथ, उसको कहा जाएगा इमल्सिफिकेशन। और किसी लुब्रिकेंट की वह प्रॉपर्टी जो उसको जल से पृथक करवा दे उसको क्या कहा जाएगा, डेमिबिलिटी कहा जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये चीज, इमल्सिफिकेशन एंड डेमिबिलिटी क्या होती है, समझने लायक है इसमें कुछ, मेरे हिसाब से समझने लायक इसके अंदर कुछ नहीं। और जो अब आपकी लास्ट आती है वो आती है न्यूट्रलाइजेशन नंबर एंड न्यूट्रलाइजेशन नंबर एंड केमिकल स्टेबिलिटी, रासायनिक स्थिरता और न्यूट्रलाइजेशन नंबर, उदासीनीकरण संख्या। सबसे पहले देखो आप ये उदासीन क्या चीज होती है, जो आपका पहली बात क्या आती है कि जो आपकी न्यूट्रलाइजेशन नंबर है किसी ऑयल के लिए वो क्या होना चाहिए, या ये बात कहूं कि कोई भी ऑयल है वो आपका क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब उदासीन, यानी कि उसके अंदर उपस्थित अम्ल तथा क्षार एकदम बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अम्ल तथा क्षार जो है एकदम आपके बराबर होने, तभी तो उसी उस वस्तु को आप क्या कहोगे, न्यूट्रल कहोगे। न्यूट्रल किसको कहा जाता है, जब वो एक ऐसी स्टेट के अंदर है, गाड़ी है न्यूट्रल गियर में कब होती है, जब वह ना आगे जा रही है ना पीछे बढ़ रही है पर चल जरूर है, ऐसा ही तो होता है, बाइक है या फिर कार है उसको तभी तो न्यूट्रल कहा जाता है। न्यूट्रल क्यों कहा गया, कि अब वो दीन दुनिया से परे है, वो उदासीन स्थिति के अंदर है, उदासीनीकरण संख्या है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा दुनिया में क्या हो रहा है दुनिया में क्या नहीं हो रहा, मतलब कि इस कंडीशन में अम्ल और क्षार एसिड एंड बेस दोनों बराबर बराबर मात्रा के अंदर उपस्थित है। परंतु कभी यदि ऐसा हो जाता है कि अम्लता का गुण थोड़ा सा बढ़ जाए, क्या हो जाएगा, अगर अम्लता का गुण जो है, एसिडिटी जो है थोड़ी सी भी बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन नंबर आपका बढ़ना स्टार्ट होगा और क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा।
ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन नंबर यदि बढ़ता है, ये चीज आप नोट के अंदर लिखेंगे कि यदि किसी लुब्रिकेंट के अंदर अथवा यदि किसी ऑयल के अंदर अथवा या फिर किसी पदार्थ के अंदर न्यूट्रलाइजेशन नंबर यदि बढ़ता है तो उसका ऑक्सीकरण यानी कि ब्रैकेट में लिखे ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और बात करूं यदि केमिकल स्टेबिलिटी की, तो केमिकल स्टेबिलिटी क्या बोलती है, केमिकल स्टेबिलिटी भी हमें इसी चीज के बारे में जानकारी देती है कि वह अपना संगठन यानी कि जिस चीजों से मिलकर बना हुआ है एक आपका लुब्रिकेंट और अस्तित्व जो उसका वजूद है उसको वो कब तक बनाए रखेगा, किस टेम्परेचर तक बनाए रखेगा। भाई आप सब जानते हैं हर एक जो पदार्थ है नेचर के अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर, या फिर वो जो चलो थर्मल स्टेबिलिटी हो जाएगी, पर मैं अगर नॉर्मल एनटीपी की करता हूं, नॉर्मल टेम्परेचर की बात करता हूं, तो वह अपना संगठन बनाए रखे, उसके अंदर केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके संपर्क में यदि आयरन आ गया, आयरन के साथ कोई ऑक्सीजन थी या कुछ भी था, ठीक है, उसके साथ उसने तुरंत क्रिया करी और उसने अपना अस्तित्व खो दिया और एक नया पदार्थ बना दिया, ऐसा नहीं। कुछ लोगों का नेचर होता है ना ऐसा, जिनके पास अपना अस्तित्व नहीं होता है, जिनके पास स्टेबिलिटी नहीं होती, हम यही बोलते हैं जिनके पास स्टेबिलिटी नहीं है, एक कंपनी में काम कर रहे हैं, एक जगह पर काम कर रहे हैं, कुछ नहीं है छोड़ के भाग गए तुरंत, ठीक है, वहां पर काम कर रहे हैं कुछ नहीं फिर वहां से छोड़ के भाग गए, तो इस तरह से वो क्या करते हैं अपने वजूद को अपने अस्तित्व को चेंज करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, अभी बंदा टीचर था, अभी बंदा कुछ और बन चुका है, ठीक है, अब कोई और काम करता है, तो ये चीज होती है स्टेबिलिटी के बारे में। तो वही केमिकल स्टेबिलिटी की, ये अपना रासायनिक अस्तित्व कब तक बनाए रखती है, इसको क्या कहा जाएगा, केमिकल स्टेबिलिटी कहा जाएगा। और इंपॉर्टेंट है यहां पे न्यूट्रलाइजेशन नंबर, क्या इंपॉर्टेंट है, उदासीनीकरण संख्या। उदासीनीकरण संख्या मतलब क्या है कि एक ऐसी संख्या है जिसके ऊपर लुब्रिकेंट के अंदर उपस्थित अम्ल तथा क्षार के गुण बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण संख्या क्या बता रही है कि एक ऐसी संख्या जिसके ऊपर अम्ल तथा क्षार के गुण क्या है बराबर बराबर होते हैं, यदि उदासीनीकरण संख्या के अंदर वृद्धि होगी तो उस लुब्रिकेंट का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ द लुब्रिकेंट की। अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ लुब्रिकेंट के अंदर, आपके पास चार जो चीजें हैं उसको देख के अपन सिलेक्शन ऑफ लुब्रिकेंट करते हैं, चार पॉइंट होते हैं। लुब्रिकेंट्स का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स। ठीक है बच्चों, तो पहली प्रॉपर्टी क्या आती है कि दोनों सतह पर पड़ने वाले दबाव, यानी कि एक तरीके से लूट, दोनों सतह पर पड़ने वाले दबाव, पहला पॉइंट ये आ रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आता है यहां पे, बुश और शाफ्ट के मध्य जो क्लियरेंस है, ठीक है, या बेसिकली आप लिख सकते हैं क्लियरेंस पर डिपेंड करती है, क्लियरेंस बहुत कम थी तो आप ज्यादा गाढ़ा लुब्रिकेंट का यूज नहीं कर सकते, आपको लो विस्कस लुब्रिकेंट ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात होगी दो पॉइंट की। ठीक है, पहला क्लियर हुआ दोनों सतहों पर पड़ने वाला दबाव, दूसरा हुआ क्लियरेंस, तीसरा क्या हुआ दोनों सतहों के मध्य जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, और चौथा होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका वर्किंग टेम्परेचर। ठीक है, तो चौथा तीसरा हुआ रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस, ज्यादा है कम है, ठीक है, और जो चौथा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है आपका वर्किंग टेम्परेचर। चारों की बात करते हैं धीरे धीरे, पहली बात आ रही है दोनों सतह पर पड़ने वाला दबाव मतलब कि लोड, आप किस तरह के लोड के अंदर वर्क कर रहे हैं, किस तरह के लोड के अंदर आप जो है अपना काम कर रहे हैं। अगर हाई लोड आप किसी हाई लोड एप्लीकेशन पर अप्लाई करते हैं तो आपको हाई विस्कस लुब्रिकेंट की जरूरत पड़ेगी, अगर आप हाई टेम्परेचर के लिए यूज कर रहे हैं तो आप कैसा चाहिए जिसका हाई फ्लैश एंड फायर पॉइंट हो, अगर आप लो टेम्परेचर पर काम कर रहे हैं तो लो पोर पॉइंट होना चाहिए, निम्नतम होना चाहिए लोअर पोर पॉइंट, जो आसानी से वो ऐसा तो ना हो ना कभी के लुब्रिकेशन ऑयल जो था जैसे रेफ्रिजरेटर के अंदर अपन ने बात करी थी, मुझे कंप्रेसर के अंदर यूज करना था बाकी और जगहों पर भी यूज करना था। एक बार बताओ क्या मैं लुब्रिकेशन को जो मूविंग बॉडी नहीं है उनके बीच में यूज करूंगा या नहीं करूंगा,
ये बात है। जैसे रेफ्रिजरेशन से याद आया, रेफ्रिजरेशन के अंदर कंप्रेसर के अलावा और कहां पर मुझे लुब्रिकेशन ऑयल की जरूरत पड़ती है? क्या मुझे कंडेंसर के अंदर लुब्रिकेशन ऑयल की जरूरत पड़ेगी? क्या इवेपोरेटर के अंदर पड़ेगी? क्या एक्सपेंशन वॉल्व के अंदर पड़ेगी? तो नहीं पड़ेगी बच्चों। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि यहां पर मूविंग पार्ट नहीं है भाई। लुब्रिकेशन ऑयल मुझे कहां चाहिए? जब दो सतह आपस में रगड़ रही है तभी तो उसमें फ्रिक्शन हो रहा है। ये बेचारा पड़ा हुआ है जबरदस्ती आगे, उसको तेल से निलाने का क्या मतलब है? नहीं जरूरत है हमें यहां पे लुब्रिकेशन ऑयल की, ठीक है। कंप्रेसर के अंदर, सिर्फ कंप्रेसर के अंदर, क्योंकि वहां पे आपके रोटरी कंप्रेसर है या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, कैसा कंप्रेसर डिपेंड करता है, पर मूविंग पार्ट तो वहां पर है। तो उन मूविंग पार्ट के मध्य फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए मैं लुब्रिकेशन ऑयल का यूज करूंगा, और इसलिए मुझे पोर टेम्परेचर या वर्किंग टेम्परेचर जो है इस रेफ्रिजरेशन वाली कंडीशन के अंदर बहुत कम है, तो निम्नतम पोर टेम्परेचर चाहिए। अब ऐसा हो, ये हमने आरएसी के अंदर पढ़ी है कि कई जो ऑयल होते हैं वो मिसिबल होते हैं, कई होते हैं इमिसिबल होते हैं, और कई होते हैं जो पार्शियली मिसिबल होते हैं, मतलब आंशिक रूप से मिश्रित हो जाते हैं। तो जो इमिसिबल है वो तकलीफ नहीं देंगे, जो मिसिबल है वो तकलीफ नहीं देंगे, पर जो पार्शियल रूप से मिसिबल है वो तकलीफ देते हैं कि कई बार टेम्परेचर वो क्या हो गए, रेफ्रिजरेंट के साथ मिल गए ऑयल और पूरे में घूम रहे थे, टेम्परेचर लो हो गया, जम गए बेचारे। जम हो गए तो उन्होंने जो पतली पतली नलियां थी, जो कैपिलरी ट्यूब थी, उनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा कर दिया। अब वो खुद तो आगे जा नहीं रहे, साथ साथ में जो रेफ्रिजरेंट है उसको भी नहीं जाने दे रहे, ये कोई बात होती है क्या? ठीक है, तो यही चीज है वर्किंग। इसलिए पोर टेम्परेचर मैंने बोला मिनिमम रखो रेफ्रिजरेशन के केस के अंदर, ठीक है। चलिए, और वर्किंग टेम्परेचर, जैसे इंजन ऑयल को आप यूज कर रहे हो, इंजन ऑयल के अंदर आपने कोई ऐसा सरसों का तेल यूज कर लिया जिसका भाई बहुत जल्दी जल जाता है, तो बेचारा देखा होगा आपने, यूं अगर आप फ्राई करने लगोगे मिर्ची विर्च को तो भी आग लग जाएगी उसके अंदर। करते ना शेफ वगैरह, वो आग लगा के देते हैं, बहुत कम होता है ना उसका जो आपका टेम्परेचर है, फ्लैश एंड फायर पॉइंट जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, फ्लैश एंड फायर पॉइंट। सरसों का तेल का यूज कर लिया, पता पड़ा इंजन के अंदर फ्लैश ही फ्लैश, धुएं निकल रहे हैं भैया, तो वहां पर हाई चाहिए अपन को, ठीक है। फिर बात करते हैं रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस। रिलेटिव मोशन कैसा हो रहा है, मतलब ज्यादा रिलेटिव मोशन है, हाई तेज गति से चलने वाले वाहन हैं या मशीनें हैं, या निम्न गति से चलने वाली वाहन है, किस तरह का स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इन चीजों के बेसिस पे भी आप लुब्रिकेशन का सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर बात आती है क्लियरेंस, जैसे बुश और शाफ्ट की मैं बात करता हूँ, ठीक है। बेयरिंग के अंदर जब आप इंस्टॉल करते हैं या फिर शाफ्ट और बुश के मध्य आपको लगाना था लुब्रिकेशन ऑयल, ठीक है, क्लियरेंस बहुत कम था, आपने बोला ग्रीस घुसाएंगे, तो आपने क्या किया, क्लियरेंस को पूरे को बंद कर दिया। क्लियरेंस छोड़ा था तो पागल तो है नहीं जो हमने क्लियरेंस छोड़ दिया, कुछ ना कुछ सोच के क्लियरेंस छोड़ा गया था। क्लियरेंस क्यों छोड़ा गया था? ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके, जैमिंग ना हो, बिल्कुल आसानी से मूव कर सके। आपने क्लियरेंस को बंद कर दिया, आपने क्लियरेंस को ही बंद कर दिया, बेचारा पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर मूव ही नहीं कर पा रहा, शाफ्ट जो है वो घूम ही नहीं पा रही, उसके साथ बुश को भी साथ साथ में घुमा रही है, एक को रहना था स्थिर और दूसरे को क्या करना था, घूमना था, हो ही नहीं पाया, क्लियरेंस तो आपने ब्लॉक कर दिया। तो वहां पर उस जगह भी आपको देखना पड़ेगा कैसा लुब्रिकेशन यूज करना है। पहला कारक जो है मैं आपको समझा चुका हूं, और वर्किंग टेम्परेचर भी समझा चुका हूं। दोस्तों ये था आज का जो लेक्चर था छोटा सा, लुब्रिकेशन के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ दी लुब्रिकेशन सिस्टम, और फिर हम चलेंगे कूलिंग के ऊपर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।